नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर मतदान शुरू, कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में डाला वोट। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। मध्य प्रदेश में पहले चरण की 6 लोकसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं। पहले चरण में सीधी, शहडोल, मांडला, बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा पर मतदान जारी है। बालाघाट के नक्सल प्रभावित बहरलांसी और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्रों में 2 घंटे पहले यानी शाम 4 बजे मतदान समाप्त हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पहले चरण की 6 लोकसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं। पहले चरण में सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा पर मतदान जारी है। बालाघाट के नक्सल प्रभावित बहर, लांजी और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्रों में 2 घंटे पहले यानी शाम 4 बजे मतदान समाप्त हो जाएगा। शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल, राज्य सशक्त बल, जिला पुलिस बल और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। पहले चरण में 1.13 करोड़ मतदाता मत का प्रयोग करेंगे। नकुल नाथ बोले, छिंदवाड़ा की जनता सच का साथ देगी। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमल नाथ के बेटे नकुल नाथ ने कहा, मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा भरोसा है कि वे सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। हमने 44 साल तक छिंदवाड़ा की जनता के लिए काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। पूर्व सीएम ने छिंदवाड़ा में डाला वोट। पूर्व सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में वोट डाला। उनके बेटे नकुल नाथ इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।